हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप मूंग दाल को एक घंटा पहले भिगो के रख दिया था, जो अच्छे से भीग चुकी है। तो हम इसको फिर दो तीन पानी से साफ़ कर लेंगे और एक मिक्सी का जार लेके उसमें सारी दाल को डाल देंगे। पानी आप कम से कम यूज करें। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये हमारे अच्छे से पीस गई है। अब मूंग दाल में बाइंडिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक से डेढ़ चम्मच बेसन डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप चने दाल भी ले सकती हैं, पर क्या होता है, चना की दाल जो होती है उसे फूलने में भिगोने में ज़्यादा 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तो बेसन यहाँ पर परफेक्ट है। तो दाल हमारी अच्छे से पिस गई है, तो हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग और यहाँ पर 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, उसका जूस इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, तो अब हम चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन हमारा गर्म हो गया है। तो उसमें आधा चम्मच के करीब आप जो भी ऑयल खाते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, वो पूरे पैन पे फैला देंगे। और जो मैंने दाल पीस के रखी थी उसको डालकर एक चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, बस बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक बॉयल आलू और एक शिमला मिर्च प्याज को कट करके रखा था, उसे इस पे इसी तरीके से लगा देंगे। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी, बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगाना है। और अब हम ऊपर से हल्का सा नमक डाल देंगे, जिससे जो हमारी इसमें सब्जियां पड़ी हैं उसमें नमक नहीं है, तो हल्का सा हम डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च ले रही हूँ, उसे ऊपर से हल्का सा डाल देंगे, जिससे ये काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, जिससे कि देखने में हमारा नाश्ता जो है अच्छा भी लगे और खाने में टेस्टी भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से 6 मिनट तक हम इसको ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए थे, तो हम अब देख लेते हैं, इसको पलट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब 2 मिनट तक हम दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा आलू था वो भी क्रंची हो गया है और प्याज शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लचक नहीं रहा है, तो यानी हमारा नाश्ता अच्छे से पक गया है। तो हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसके पीसेस में इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है, आप जैसा चाहें आप कट कर सकते हैं। ये नाश्ता बच्चों के लिए आप लंच बॉक्स में या आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।